बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल सत्तार एदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में होता जन होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मरतबा मेरे रजाकार एक साफ़ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए हुए मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से गंदी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब एक लाश। एदी साहब फिर सोचते हुए बोले, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती है। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रजाकार ने बताया, इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश इसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुँचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुसल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। एदी साहब बोले, इस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बाजू वाह की मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि एदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस लाश को गुसल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुसल देने लगा तो उस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, इसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नम ना उठाए होंगे, मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। इसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूँ इस लाश को गुसल देते हुए मेरी आँख आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, इस दिन में इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा, काश कि हम अपनी औलादों की ऐश और इशरत के बजाय बेहतर तालीम और तरबियत पर ज़्यादा फोकस करें।